अगर आरएसएस में जा सकते हैं तो जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो जमाते इस्लामी क्यों नहीं जा सकते? अरे मैडम, आप बात नहीं करने देती हैं, बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है। नहीं नहीं वकार साहब, आप पढ़ लिख के आए हैं। सुनिए तो, अरे हम लोग तो जाहिर लोग हैं। एक देशभक्त संगठन आरएसएस जैसा और एक देशद्रोही संगठन, दोनों के बीच में तुलना नहीं हो सकती। आप जो कह रहे हैं संघ नफरत फैला रहा है, ये नफरत फैलाने गए थे? परेड में जवाहरलाल नेहरू ने उनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया। पढ़े लिखे बोलते हो, दो किताब का नाम बता दो, राष्ट्रीय संघ का नाम बता दो। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की किताब है तो समझ लो कितनी नफरत की बात करती होगी। आज जरूरी है पढ़े हुए आता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला बदलकर अब सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने की छूट दे दी है। और आज इसी बात को लेकर संगीत रागी और अनुराग भदौरिया के बीच में बहस हो रही है, जिसमें संगीत रागी अनुराग भदौरिया की अच्छी खासी क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं, थैंक यू। जो सर्विस लॉ है भारत का, जो सर्विस लॉ है, जो संविधान है, जो कानून है, वो ये कहता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी तरह की राजनीतिक या गैर राजनीतिक किसी संस्था के साथ तब तक नहीं जुड़ सकते, तब तक उसके साथ काम नहीं कर सकते जब तक के वो सर्विस में हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या वो चले जाएं, सरकार से तनख्वाह लेना बंद कर दें, जो दिल चाहे करें। ये भारत का कानून है। दूसरी बात, आज मैं आपको एक नए तरीके से नए विषय पर बात करना चाह रहा हूँ। देश के जो विषय हैं उन पर बात कीजिए, जो देश से फायदा करने वाले, देश की जनता का फायदा करने वाले विषय हैं उन पर बात कीजिए। भाई आरएसएस अगर ऑफिस चले जाएंगे ये कर्मचारी तो देश का भला क्या हो जाएगा? देश को बताना पड़ेगा ना। संघ की शाखा में जाने से छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। असीम वकार साहब, इसी सवाल को मैं रागी जी के पास लेकर जा रही हूँ। रागी जी बताइए फर्क क्या पड़ जाएगा? और वो ये कह रहे हैं, मैं बस फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं, असीम वकार साहब, कोई ऐसा कानून नहीं है जो संघ को राजनीतिक संगठन बताता हो, जिसकी अभी आप दलील दे रहे हैं। संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं है। सुनिए मैडम, सुनिए, बात तो सुन लीजिए। अगर आरएसएस में जा सकते हैं तो जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो जमाते इस्लामी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उससे बैन हटा नहीं है। मुस्लिम कर्मचारी हैं और जमाते इस्लामी का बैन, आप आरोप क्या है इस्लामी में कौन सा? वो राजनीतिक संगठन है, जमियत उलमाए हिंद में। असीम वकार साहब, एक तो आप लोग बात पढ़ लिख के नहीं आते हैं, बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है। नहीं नहीं वकार साहब, आप पढ़ लिख के आए हैं। सुनिए तो, अरे हम लोग तो जाहिर लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। राजनीतिक संगठन जमाते इस्लामी है, पढ़ के आओ आप पहले। समझ गया मैं। रूबिका जी, जमाते इस्लामी जो है वो आपके बारे में बता दूं, उनके बारे में कि दुनिया में जो टेररिज्म की आइडियोलॉजी है, चाहे वो जमाते इस्लामी पाकिस्तान हो, आपको बता दूं कि उसके पीछे जमाते इस्लामी की आइडियोलॉजी ही है। वो पैन इस्लामिज्म में भी विश्वास करता है और ये सच बात है कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा था आइडियोलॉजी। एक देशभक्त संगठन आरएसएस जैसा और एक देशद्रोही संगठन, दोनों के बीच में तुलना नहीं हो सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या वजह है कि आप लोग संघ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं? द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पन्ना लेकर मैं बैठी हूँ, जिसमें बकायदा आरएसएस हैज अ हिस्टोरिक रोल टू प्ले। में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आरएसएस को हमेशा क्रिटिकली एनालाइज किया करते थे और क्रिटिकल थे, उनके विरोध में थे, आप देखिए रिपब्लिक डे परेड 1963 में जो हुई थी उसके लिए इनवाइट किया था और लगभग 3000 संघ के जो वॉलंटियर्स थे वो इस परेड में शामिल होने के लिए गए थे। 65 में पाकिस्तान द्वारा जब हिंदुस्तान पर अटैक किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री ने फिर बुलाया था सर संघ चालक को, और वो तस्वीर मेरे पास है, ये देखिए, जहां पर बकायदा वो डिस्कशन कर रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, और यहां पर संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, गोलवलकर, ये देखिए। तो क्यों डीमोनाइज करना है, क्या वजह है? पुराने लोग आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे थे, संघ से क्यों इतनी एलर्जी आप लोगों को?
देखिए संघ से हमें एलर्जी नहीं है, संघ को देश से एलर्जी है। संघ अभी कह रहे थे संघ जो है वो माँ है और भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है, यही तो कहा। तो उनकी संतान कैसा काम कर रही है जरा बताइए तो, उनकी संतान में कौन काम करता है? किसी के बोला नहीं, मैं देखो किसी के पीछे ना बिता देकर ऐसी रिपीट करानी है तो मैं रागी साहब रुकिए ना, पहले फिनिश करने दीजिए उनको ओपनिंग रिमार्क। देखिए हमने कहा संत ऐसे उनके संतान है, ऐसा कानून पास करते हैं जैसे समाज के अंदर में ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करते हैं जैसे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति हो। तो क्या माँ उनको यही सिखा के तो भेजती होगी ना कि आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति करो, आप यहाँ पे नाम दर्शाओ, नाम लिखो। ये किसने किया? उनकी संतान जो बता रहे हैं उनकी संतान नहीं तो किया ना, उनकी संतान ही तो चुप रहती ना जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ये कौन काम कर रहा है? उनकी संतान ही तो है। ये बताइए ना, ये आरएसएस का चेहरा है कि नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री से गोलवलकर जी ने इसी संस्कृति और ये इकलौते गैर राजनीतिक शख्स थे वहाँ पर। अरे मेरी बात तो हो जाए पूरी, इसी संस्कृति और संस्कार मुझे ये बताइए। अरे मैं बोल लूं, आप पहले सवाल पूछ लो फिर मैं बोलूं। सवाल पूरा सवाल पूछ लिया है आप जो कह रहे हैं कि संघ नफरत फैला रहा है, ये नफरत फैलाने गए थे? हाँ, परेड में जवाहरलाल नेहरू ने इनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया था। लाल बहादुर शास्त्री ने परेड में इनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया था। जो टिकट जारी हुआ था इंदिरा गांधी के दौर में वो नफरत फैलाने के लिए हुआ। 6 बार हो गया। अच्छा 6 बार सवाल हो गया। अरे मैं इसको 600 बार बोलूंगी क्योंकि ये तथ्य है। 6000 बार बोलिए लेकिन हमें बुलाया। मैं 600000 बार बोलूंगी क्योंकि ये तथ्य है। तथ्य पर बात कीजिए ना। आपका आपका सुनने के लिए हम थोड़ी आए हैं, हमें भी तो अरे तो आपके झूठ को थोड़ी परोसने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आप राजनीति करना कौन सी किताब पढ़े हो आरएसएस के बारे में? सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया था, नाम लगाइए, नाम को किसने रद्द किया? भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है ना, संतान गलत काम कर रही है तो माँ नहीं सिखा के भेजा होगा ना गलत काम करने के लिए, जाओ नफरत निरानी समाज। अनुराग भदौरिया आरएसएस पर दो पुस्तक का नाम बताओ, कुछ पढ़े हो आरएसएस पे? समाज को तोड़ने की राजनीति की है तो बताइए। मैं आप पूछना चाहता हूँ कब आपने राजनीति की? संगीत रागी आप ही नफरत की राजनीति करते हो, आप जैसा अगर चेहरा संघ है तो हम आपको नकारते हैं। मैं कोई नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ, तुम बिना पढ़े लिखे बोलते हो। दो किताब का नाम बता दो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दो पुस्तक का नाम बता दो, दो पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। चलो एक ही पुस्तक का नाम बताओ, संगीत रागी एक पुस्तक का नाम बताओ, संगीत रागी है तो अगर ऐसी आरएसएस से आप जैसे चेहरे वाली आरएसएस है तो हिंदुस्तान पे ऐसी आरएसएस कुर्ता पहन करके रोज रोज वो एक ही चीज पढ़ते रहते हो। संगीत रागी टीवी चैनल में आएगा, जनता की किसान की बात बताओ, आरएसएस पर एक पुस्तक का नाम बताओ, एक पुस्तक का नाम बताओ, महिला समस्या की बात नहीं कर नफरत की आग बोने आएगा। अच्छा वो पूछिए संघ की कोई एक किताब बता दीजिए, एक किताब बता दीजिए। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। गलत सही बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। सुनिए आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है, सुने मेरी बात, आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? कौन सी पुस्तक पढ़े हो? सिर्फ कौन सी पुस्तक पढ़े हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पार्टी के माध्यम से पैदा करती है। पुस्तक का नाम बताओ तुम, जनता पार्टी आरएसएस एक पुस्तक का नाम बताओ। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की किताब है तो समझ लो कितनी नफरत की बात करती होगी। जरूरी है पढ़े हुए आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था कि नहीं नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, याद है आपको? ये वही संघ है ना, वही विचारधारा से आ रहा है ना, ये विचारधारा ने जो करने का विरोध किया था, जो लोगों ने अपने झंडा नहीं फहराया वो हमें बलिदान देने आए। जिनको जिन्हें 52 साल तक तिरंगे का झंडा नहीं फहराने वाले, अनुराग भदौरिया जी मैं आपको टाइम दे देती हूँ, ये भी गलत है। मैं आपको टाइम दे देती हूँ, गूगल तो आपके पास ही है, चार किताब के नाम वही पढ़ के बता देना। इतना तो मैं दोस्ती के नाते कर सकती हूँ कि वक्त दे दूँ आपको, पर्चा लीक कर दिया, आप टाइम भी दे देती हूँ।